पत्ता पत्ता सिखों का बैरी हो चुका है। लेकिन बोलते ना, हर चीज की एक अति होती है, उस अति का समय भी आता है। जब ये विनाशकाली विपरीत बुद्धि हो जाती है ना, तो फिर ऐसे ही होता है। आपको अब समझ में आएगा कि जो बोलते थे ना, जो खाड़कू सिंहों का दौर था, भाई खाड़कुओं ने हिंदुओं के साथ ये किया, किसी खाड़कू ने किसी हिंदू की बहन बेटी के साथ या किसी के साथ कोई गलत नहीं किया, ना किसी हिंदू के साथ किया था, वो करने वाले अब सामने आते जा रहे हैं, अब सामने। जैसे सुधीर सूरी के दोनों लड़के फंसे, मतलब ये एक दुकानदार से रिश्वत मांगते हुए कि ये तेरा या बंदर सेना के लिए तेरी वाह है, बंदर सेना वाले जो जंप लेते रहते हैं ज्यादा, लेकिन अब बंदर सेना के लिए ना आगे कुआ और पीछे खाई होगी है, आगे पुलिस खड़ी है और पीछे से नियंग सिंह आ रहे हैं। और जो नियंग सिंह ने चेतावनी दी बिल्कुल सही दी, हम इतने दिन से कह रहे थे कि नियंग सिंहों को कमांड संभाल लेनी चाहिए, पंजाब के अंदर अगर कमांड किसी को संभालनी है ना, तो नियंग सिंहों को संभालनी पड़ेगी। और जो पंजाब की पब्लिक है और जो हरियाणा की पब्लिक है, उनको नियंग सिंहों का साथ देना चाहिए, साथ देना चाहिए, क्योंकि वो हक सच के लिए लड़ते हैं। और आज वो उसी हक सच के लिए लड़ रहे हैं जिस हक सच के लिए ये अकाल पुरख की फौज तैयार की गई थी, उसी हक सच के लिए। सबसे बड़े कमाल की बात है, सुधीर सूरी के जो दोनों लड़के फंसे हैं रिश्वत लेते हुए, उनको पुलिस सुरक्षा दी हुई थी, पुलिस सुरक्षा दी हुई थी, और उसी पुलिस सुरक्षा, वो सुरक्षा कर्मियों के सामने इन्होंने रिश्वत ली, 6 लाख रुपए ले लिए, मतलब 9 लाख का और एडवांस का अगले को दे दिया, 15 लाख की पर्ची काट के दे दी कि 9 लाख और दे देना, नहीं तो तेरी दुकान बंद करवा देंगे। मतलब इनके इतने हौसले बुलंद हो चुके हैं बंदर सेना वालों के पंजाब के अंदर, ये मतलब पंजाब की दी बेटी के लिए भी इतना गलत बोल रहे थे, इनको कोई रोकने वाला नहीं, ऊपर से इनको सुरक्षा दी जा रही है। जैसे सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा हटाकर अखबारों में दे दिया, अब इनकी सुरक्षा हटाओ, इनकी सुरक्षा हटाओ फिर दो अखबारों में कि भाई किसी भी बंदर सेना वाले का कोई सुरक्षा लागू नहीं है। मतलब कि कमाल ये हो रखा है, जो भी पंजाब में या सिखों को या दी बेटियों को गलत बोलता है, उसी को सुरक्षा दी जा रही पंजाब के अंदर। नियंग सिंहों ने ना दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, दूध का दूध और पानी का पानी, बोले हमें ना तो ये कहते हम इनको भाई तलवारों से वार करेंगे या किससे करेंगे, नहीं करेंगे बोला। लेकिन अगर दोबारा आज बोले सिर्फ एक ज्ञापन दे रहे हैं, अगर दोबारा इन्होंने ऐसा कर दिया ना, तो इनके घर में जाके इनको प्रसादा देंगे, घर में जाके, और फिर पता होगा कौन सा प्रसादा देंगे। वो आप यहाँ पर वो सवाल भी किया गया था कि जो संदीप थापर के ऊपर अटैक किया गया था नियंग सिंहों ने, बोला पहली बात तो अनजान है हमारे को, पता नहीं वो कौन से नियंग सिंह है, लेकिन अगर उन्होंने किया है तो उनको सजा मिलेगी। आज बिल्कुल सब कुछ क्लियर किया। लेकिन कमाल की बात आप देखो, पुलिस का इतना बड़ा अधिकारी है, सुधीर सूरी के दोनों लड़कों के नाम लेते समय पर क्यों इतना हिचक रहा है, सोचने वाली बात है। इसका मतलब तो नियंग सिंह सच कह रहे हैं कि भाई सरकार ही नहीं की है ये सरकार, बुचड़ सरकार ही नहीं की सरकार है, इसलिए इनको इतनी सह मिली हुई है। एक बार सुनना अधिकारी साहब को, दुकानदार तो एक तरह की एक्सटॉर्शन की सी, ओदे कोल गए सी एक्सटॉर्शन करन दे बहाने, अपने अपने तरीके नाल उहनूं कहिंदे तो जिहड़े मोबाइल दे विच जाली चिपां जिहड़ियां पा के वेचदा, जाली चिपां दे ते नाल तूं अपने जाली जिहड़े मोबाइल आ इदां दे कम करदा गा, उस दे आधार ते उहनां दोनां नौजवानां ने उस व्यक्ति दे जिहड़े लैपटॉप। सबसे बड़े कमाल की बात है, इतना बड़ा पुलिस का अधिकारी बोले उन दोनों नौजवानों ने, कौन से नौजवान है वो, चोर क्यों नहीं बोल रहा उनको, अब इनको डाकू क्यों नहीं बोल रहे, इनको बोलो ना जो शब्द यूज करते हो, अब इनको बोलो ये है असली, वो असली चोर डाकू लुटेरे ये बैठे हैं पंजाब के अंदर बंदर सेना वाले। 4 लैपटॉप चक ले सी, प्लस उन्होंने काफी मोबाइल जो डब्बे च बंद कर, इतनी हिम्मत वो अपने इंडिविजुअल किसी थान से ले जाके उन्होंने उस दुकानदार नु उत्थे बुलाया, उस दुकानदार नु बुला के उतो 6 लाख रुपया जिहड़ा कैश लै लिया सीगा, 3 ते 3 2 लाख रुपया 6 लाख रुपया कैश लै लिया, तो उन्होंने 15 लाख रुपए की एक चिट करके देती सी भी एक जरा सी जी डोनेशन ले ली आ, उस वजह करके उस जो व्यक्ति सीगा उस व्यक्ति के बयान से जो गरीब डैगा सीगा उसके बयान से परचा दर्ज किया, उस परचा दर्ज करने की कार्रवाई के अधीन ही वो दोनों जो नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। अजि जी कार्रवाई आ वेरी गैर कानूनी सी, वो भी एक इस तरीके ने कहने भी कोई भी नौजवान कानूनी कार्रवाई की, होर व्यक्ति सके कार्रवाई, नाम देखो एक मानक ते एक पारस बोलना, मानक सूरी और पारस सूरी, ये दोनों सुधीर सूरी के लड़के हैं, सुधीर सूरी के लड़के हैं दोनों, जो कि मतलब इनके इतने हौसले बुलंद हैं कि ये किसी से भी जाके बोल रहे हैं कि हम वो करेंगे, रिश्वत चाहिए हमारे को। अब सुनो, भारत देश दी भैणां ने कहिंदे वी साडे शिव सेना वाले कुवारे ने
ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਆਪਣੀ ਜਾਗੋ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਜਾਗੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਗੰਜਾ ਹਾਂ ਟਕਲਾ ਪਕਲਾ, ਤੂੰ ਜਾਗੋ ਕੋ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਛੋੜ ਕੇ ਵੀ ਭਾਗੋ ਕਰੋਗੇ, ਤੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਭਾਗੋ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬ ਬੀਚ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਗਈ, ਅਬ ਬੀਚ ਮੈਂ ਆ ਗਏ ਨਿਯੰਗ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੋ, ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਹੋਗਾ। ਤੁਮ ਜਾਗੋ ਲੈਣੇ ਕੇ ਚੱਕਰ ਮੈਂ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜਾਗੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਂਗੇ ਇਨਕੇ ਘਰ ਪੇ, ਤੁਮ ਜਾਗੋ ਕੋ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਮ ਭਾਗੋ ਕੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਔਰ ਤੁਹਾਰੀ ਜਾਗੋ ਕਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਲੰਧਰ ਕੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨਿਯੰਗ ਸਿੰਘ ਹੋਗਾ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਅਸਲੀ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਯਹੀਂ ਪੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਰੇ ਕੋ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਠੋਕ ਕੇ। मिल गया होगा जवाब। अब यहाँ तो ये बंदर सेना वाला है ना, चुपचाप जहाँ पे बैठे हो ना वहीं पे बैठे रह जाओ। तुम बोल बोल के जो सिक्योरिटियाँ ले रही हो ना पंजाब के अंदर, अब उन सिक्योरिटियों को भूल जाना। और हम तो ये करें जितनी नियंग जत्थेबंदियाँ हैं वो सारी की सारी आगे आएँ, और अगर इस पंजाब को बचाना है तो नियंग सिंह ही बचाएंगे पंजाब को, बाकी बस की बात नहीं बची अभी किसी की, क्योंकि पुलिस के इतने बड़े अधिकारी है ना उसके लड़कों को जी, एक पारस है एक मानक है दो नौजवान है, क्यों ओलंपिक में मेडल लेके आए हैं ये चोरी लूट ठगेती ठगी कर रहे हैं ये पंजाब के अंदर। और फिर नाम किसका आता है, सिखों का नाम आता है, और इनको सुरक्षा दी हुई है, इन्हीं को सुरक्षा दी हुई है, बोला हम इनकी सुरक्षा वापस लेने के बारे में सोचते हैं। सोचना क्या, हटाओ सुरक्षा, बता दो इनकी सुरक्षा हटा दी है। अगर एक भी बांदर सेना का बांदर बोल जाए गारंटी इस चीज की, इनकी सिक्योरिटी हटा के देखना एक बार, अगर ये सांस भी निकाल दे ना, सांस भी निकाल दे, गारंटी इस चीज की। और अब तो इनका सांस वैसे बंद होगा, तुम कितनी सिक्योरिटी में रह जाना, अब नियंग सिंह का ऐलान है। अगर दोबारा तुमने ऐसा कोई शब्द यूज कर दिया दी बहनों के लिए, किसी के लिए भी कर दिया, तुम्हारे को ना तुम्हारे घर पे जाके जूतियां लगेंगी, जूतियां, और वो सबको दिखाया जाएगा। फिर जैसे याद है ना सुधीर सूरी का लड़का, भूल तो नहीं गया ना परस, तूने बोला था कि हम एक एक को घर से निकाल कर वो करेंगे, अरे एक चपेड़ में टैं टैं होगी थी, याद रखना वही नियंग सिंह है ये, बदली नहीं हुए। आप अपनी राय रख सकते हैं दोस्तों, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की, गज के आंखों, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।